खबर फिजिकल थाना क्षेत्र के शिव शक्ति कॉलोनी टीवी टावर रोड से आ रही है। यहां रहने वाले एक युवक जैन के द्वारा अवैध कब्जा कर आम रास्ते पर मकान बना लिया गया है। मामले को लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध जताया है, साथ ही एक लिखित आवेदन कलेक्टर को सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। मोहल्ले वासियों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि कॉलोनी में रहने वाले जैन ने आम रास्ते पर 3 फुट कब्जा कर लिया है, इसके कारण यहां पर अंधा मोड़ बन गया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, जबकि जैन से अतिक्रमण हटाने को कहा तो वो लड़ने पर उतारू हो गए। इसके बाद मोहल्लेवासी कलेक्टर के पास पहुंचे, अपनी गुहार लगाने पहुंचे और अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आज मोहल्लेवासियों ने रास्ते पर बैठकर नारे लगाए प्रदर्शन किया। देखिए क्या कुछ कहा मोहल्लेवासियों के साथ सीएमओ गोविंद भार्गव ने। समस्या ये है कि जो अवैध है, ये चौतरा बन रहा है ना, उस समय आने जाने काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इधर से आने वाला नहीं दिखता है, उधर से आने वाला नहीं दिखता है। वो परसों के दिन मैं भी बच गई, क्योंकि उधर से गाड़ी आ रही थी, इधर से हम बाइक से जा रहे थे तो लग गई होती, मतलब मैं बच गई, बाल बाल बच गई। इसलिए मेरे को ये समस्या, हम पूरी कॉलोनी को समस्या है कि ये चबूतरा नहीं बनना चाहिए, अवैध बन रहा है। अच्छा, तो ये अवैध बन रहा है तो इसके आगे और भी बने हैं, तो उसके विरोध क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम हमें इससे है, मेन रोड है, रास्ते हमारे ये है। और इसमें क्या है, इसमें करीब करीब 40 परिवार रहते हैं, करीब करीब 40 परिवार रहते हैं, 40 परिवारों को प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है। शिकायत की नगर पालिका में, शिकायत की एसडीएम साहब को, शिकायत की, बाकायदे एप्लीकेशन लगी हुई है हमारी, लेकिन हमने जब एप्लीकेशन लगाई उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। समस्या ये है कि इनका ये मकान बन रहा है जैन साहब का, यहाँ पे इन्होंने 12 फुट आगे अतिक्रमण कर रहे हैं और गली में भी 1 फुट 1.5 फुट ने बढ़ा लिया है, और पहले भी इन्होंने 3 फुट आगे कर लिया है, जिससे कॉलोनी में लोग निकलते हैं उनको एक्सीडेंट होता है। मेन रोड है यहाँ पे, तीव्र गति में गाड़ियाँ निकलती हैं, इस कारण यहाँ पे बच्चों का आए दिन एक्सीडेंट होता है। प्रशासन से मांग हमारी यही है कि इसको जो कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको हटवाया जाए। हमने परसों प्रशासन को सूचित करवा दिया था थाने में, कलेक्टर साहब के यहाँ और सीएमओ नगर पालिका में इसकी सूचना दे दी थी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जनता आंदोलन करेगी आगे। क्या करेंगे अभी, मेरे आज ही मेरे को ये शिकायत प्राप्त हुई है, मैं अभी इस मामले को देखवाता हूँ। कल हमने 2-3 साईं बाबा मंदिर और इधर शिवनगर है पीएस होटल के पीछे, इधर भी पानी भरा की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। कल मैं स्वयं खड़े होकर मैंने उन शिकायतों का निराकरण कराया है। ये शिकायत भी मुझे आज प्राप्त हुई है, मैं अभी हमारे सब इंजीनियर वगैरह को देख भिजवाता हूँ, मैं स्वयं ही देखूँगा। सर हमने पहले कलेक्टर साहब को भी एक आवेदन के द्वारा अवगत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मेरे को, क्योंकि ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसको अवश्य दिखाऊंगा, मैं स्वयं भी जाऊँगा। पहले इन्होंने कब दिया ये मेरी जानकारी नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा।